उसके बाद ओके सो स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, सो बेसिकली फाइल हैंडलिंग में तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती है देखने लायक। ठीक है, थोड़ा बहुत देखना होता है। ठीक है, बट आपका जो मेन टॉपिक है आज का एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसको देखेंगे और फिर बेसिकली मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में आपको थोड़ी बहुत आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई होगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट जो आपका एक क्वेश्चन गलत था अगर वो सही हो गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसके उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि आप पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने कोई टेक्स्ट फाइल बना के रखी हुई है। ठीक है, आप कोई टेक्स्ट फाइल बना के अपने आपकी जो भी डायरेक्टरी है जहाँ पे जैसे मैं एक सेशन आप देख रहे हो, जैसे मैं ये मैं सारी चीजें इस डायरेक्टरी के अंदर काम करता हूँ एक फोल्डर के अंदर पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी चीजें सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सब मैंने कभी और कोई क्लास ली होगी वहाँ पे इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हर क्लास की अलग अलग फाइल है लेकिन एवरीथिंग रिलेटेड पाइथन, सो सारी फाइल एक जगह है। ठीक है, तो इसी तरह आपने आप अपनी डायरेक्टरी में सपोज कोई टेक्स्ट फाइल डालते हो या किसी भी तरीके की फाइल डालते हो तो उसको पाइथन रीड कर सकता है एंड आप किसी किसी तरीके की आप टेक्स्ट फाइल उससे राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और आप उसके अंदर अपेंड भी कर सकते हो। आपको अपेंड का मतलब पता होता है। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या होता है कि किसी आपको कोई और आप उसकी आप जो फाइल राइट कर रहे हो उसके अंदर आप जितनी चीजें लिखते हो उसके अंदर कुछ और भी चीजें आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अपेंड। ओके, तो देखो अब फाइल के अंदर राइटिंग कैसे होती है या फाइल आप क्रिएट कैसे करते हो, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं कि आप फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो इस ये देखो ये मेरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा फोल्डर है। अब इसके अंदर देखो एक टेक्स्ट नाम एक टेस्ट नाम की टीएक्सटी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ आज। और एक डेटा नाम डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है, एक ये बना हुआ है। ओके, ये दो दो मेरी टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, मैंने किसी क्लास में करवाया होगा। ओके, अब मैं एक टेक्स्ट फाइल खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ मैं, एक क्या कहते हैं इस इन दोनों फाइल को नहीं यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक नई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। ठीक है, सो नई टेक्स्ट फाइल आपकी कैसे बनेगी, डायरेक्टरी के अंदर कैसे क्रिएट होगी ये देखो। तो आप क्या करोगे, राइट फाइल और मैं सपोज एक्स वाई जेड नाम से बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी। ओके, इस नाम से मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रहा हूँ, माई नेम इज ये मैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर वो था। नोट पैड में अगर टेक्स्ट फाइल लिखते हो तो आप उसके अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख दे रहा हूँ। ओके, ये लिखा गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो मेरे ख्याल से यहाँ पे बन गई होगी। अगर मैं देखने जाऊँ एक्स वाई जी, शायद अभी ये नहीं बनी है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी फिर बात बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आप देख सकते हो कि ये है कहाँ पे, ये फाइल अब ये नई फाइल आपने राइट की है, ये फाइल आप देख सकते हो है कहाँ पे। ठीक है, तो PWD का मतलब होता है पब्लिक वर्क डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर देखो सी यूजर शिवम सिंह डॉक्यूमेंट के अंदर पाइथन फॉर डेटा साइंस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये टेक्स्ट फाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो क्रिएट होगी सबसे नीचे, ये क्रिएट होगी। इसको आप ओपन करके अगर देखना चाहोगे तो इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको वही मायने भी शो होंगे। ये क्या है, आपको फाइल रीड करनी है। ठीक है, ये तो आपने अभी अभी फाइल जो अभी आपने जो फाइल बनाई उसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास और भी एग्जिस्टिंग फाइल है और मैं सपोज उसको रीड करना चाह रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, उसको भी रीड कर सकता हूँ। ठीक है, अब रीड कैसे करते हैं वो देखो। रीड कैसे करते हैं, हेलो, आपको एक सेकेंड क्या इशू हो गया, हेलो आप यहाँ पे बोलो क्या हो गया,
हेलो। ये आपने कोई मैसेज किया? आपने पहले मैसेज किया हुआ या अभी मैसेज कर रहे हो? हेलो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊँ। हेलो। कोई डाउट है? हेलो। 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 वो फाइल वाली दिखी नहीं थी, फाइल वाली क्रिएशन नहीं दिखी थी आपकी, एक्स वाई स्क्रीनिंग जी नहीं आ की, रही थी आपकी। एक्स वाई जी की बात कर रहे हो? ये एक्स वाई जेड जो है, ये फाइल दिख गई नहीं वाली। यस सर, यस ये फाइल, अब ये अगर इसकी मैं पब्लिक वर्क डायरेक्टरी देखूं सर। तो ये कहाँ पे बता रहा है? ये मेरे पाइथन फॉर डेटा साइंस नाम की कोई फोल्डर है, उसी के अंदर है। तो मैं आपको पहले बताया कि मैं ये एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके सारे नोटबुक बनाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी आपको दिख रही है ये स्क्रीन, वेब स्क्रैपिंग, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें दिख रही है ना? अब इसी में आप नीचे चले जाओ तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो गई है xyz.txt, और इसी को मैं ओपन कर दिया तो देखो जो मैंने वहां पर लिखा था, मैंने में शिवम वो लिख के आ गया है। ये मेरी बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल बन गई है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें सीखना ये है कि फाइल हम किस तरीके से, ठीक है ना, अब इसके अंदर हम किस तरीके से अलग अलग टास्क करते हैं। मीन्स आप फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, तो वो कैसे करते हैं? तो आप सिंपल, आप कुछ नहीं, एक सिंपल सा कमांड लिखोगे ओपन। अब आप ओपन के अंदर देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दबाता हूँ, ठीक है। हमें कभी भी कुछ याद नहीं करना है, पाइथन के अंदर कुछ याद करने जैसा है भी नहीं, ठीक है। हमें क्या देना है ओपन का, फाइल फाइल का नाम, मतलब आपके फाइल का नाम जो भी है, यहाँ पे एक्स वाई जी नाम से मेरी फाइल है, तो मैं एक्स वाई जी दे सकता हूँ, ठीक है। मोड, मोड का मतलब है कि आपको आपको मोड आर का मतलब होगी कि आपकी फाइल को रीड कराना है, ठीक है। यहाँ पे मोड बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने फाइल के साथ क्या करना चाह रहे हो, आप फाइल को रीड कराना चाह रहे हो। रीड आप तो कराओगे जब आपकी कोई फाइल पहले से बनी होगी, उसके अंदर कुछ लिखा होगा, उसको आप रीड करा सकते हो, ठीक है। राइट कराना चाह रहे हो, मतलब आपके पास कोई फाइल है, आप एक नई फाइल राइट करना चाह रहे हो, ठीक है। अपेंड, ये सारी चीजें होती है। अब आपको ये चीजें कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि फाइल क्या होती है, ठीक है। फाइल इज इधर अ टेक्स्ट और बाइट, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है, आपको पता है फाइल क्या होता है, ये मुझे पढ़ने की जरूरत है। मोड, मोड इज एन ऑप्शनल स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाई द मोड इन विच फाइल इज ओपन, ठीक है। अब आपको फाइल किस में ओपन ओपन करनी है, आर मोड में ओपन करनी है, डब्ल्यू मोड में ओपन करनी है, ठीक है। अब आप ये देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आर का मतलब होता है ओपन फॉर रीडिंग, आपको रीड करना है अपनी फाइल को। डब्ल्यू ओपन फॉर राइटिंग, ठीक है। आपको कुछ भी याद करने की कहीं भी गूगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रिएट अ न्यू फाइल एक्स, अगर आप एक्स, ठीक है। ओपन फॉर राइटिंग अपेंडिंग टू द एंड ऑफ द, ठीक है। अब आपने कोई फाइल पहले से बना रखी है, उसके अंदर सेम उसी फाइल के अंदर, जैसे मैंने एक्स वाई जी बना रखी है, इसी के अंदर मैं कुछ और भी लिखना चाह रहा हूँ, अपेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पी फॉर बाइनरी मोड, बाइनरी मोड मतलब आपके पास टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सपोज आपके पास कोई पिक्चर है, ठीक है, कोई आपके पास फोटो है जिसको आप बोलना चाह रहे हो, तो वो सारी जो उसके अंदर जो रीडिंग होगी वो बाइनरी मोड में होगी, तो आप उसको पी से बोलोगे, ठीक है। देन टेक्स्ट मोड, देन प्लस, देन यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके मोड्स हैं, ठीक है। और इसको आपको जाने के लिए कहीं गूगल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, मुझे अब क्या करना है, मेरी फाइल बनी हुई है, मुझे इसको रीड करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा कि कौन सी फाइल को रीड करना है, xyz.txt। देन मैं मोड दूंगा, ठीक है। अब मेरा मोड क्या है, ठीक है। तो मेरा मोड क्या है, आर, ओके। सो मैंने यहाँ पे अपना मोड दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट आईओ आई ओ रैपर नेम इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी मोड इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर की अगर चीज़ एक एक करके रीड करानी है तो आप फॉर लूप लगा सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आप अगर फॉर आई इन एफ लिखोगे और फिर आई को रीड करा लोगे तो आप एक एक कैरेक्टर आपकी रीड होके आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली इसके और कुछ फीचर्स बताना चाह रहा हूँ और कुछ फंक्शन बताना चाह रहा हूँ जो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एफ डॉट रीड, ठीक
ठीक है, एप डॉट रीड से आप बेसिकली रीड कर सकते हो। देखो ये आ गया माय नेम इज शिवम, इसके अंदर केवल इतनी सी बात लिखी है, ठीक है। अगेन अब मैं यहाँ पे अगर एक बार फिर से एप डॉट रीड करता हूँ तब देखो क्या होता है। फिर से मैं करूँगा, फिर से अगर मैं इसको चलाऊंगा फिर से ये होगा, ठीक है। क्यों? बेसिकली वो क्या रहा है कि एप डॉट रीड क्या करता है, आपके एक एक कैरेक्टर को रीड करता जाता है और फिर खुलता जाता है, ठीक है। मीन्स आपका जो कर्सर है वो अब जब आपने एप डॉट रीड किया तो बेसिकली यहाँ पे एम पे आ गया, ठीक है। एम का क्या मतलब हो गया कि वो न्यू लाइन पे आ गया है आपका कर्सर, तो आप उसको ध्यान से देखो ना, तो न्यू लाइन से स्टार्ट होकर न्यू लाइन पे एंड हुआ है, तो आपका कर्सर न्यू लाइन पे आ गया। अब जब वो न्यू लाइन पे आया और आपने रीड कराया तो वहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं आपने, तो वहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉट डॉट दे दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अपने कर्सर को फिर से फर्स्ट पोजिशन पे लेके जाना है, ठीक है, मीन्स आपकी अगर मैं आपकी ये आपका क्या स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको देखूँ जीरो इंडेक्स पे लेके जाना है, तो आपको अब जीरो इंडेक्स पे लेके जाना है, मैं बोल रहा हूँ, फिर से वापस से रीड करना है। तो आप क्या करो एफ डॉट सीक, ठीक है, एफ डॉट सीक करोगे तो ये आपके जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको रीड करते हो वापस से, फिर से आप सेम चीज रीड कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं, ये कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनको आप करते जाओ और आप समझते जाओगे, ठीक है, कि क्या होता है बेसिकली, क्या क्या चीज़ें आप रीड लाइंस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। एप डॉट राइट, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ राइट नहीं करना है, जब आपको फंक्शन में राइट करना होगा, सो ये सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आप ओपन मोड में ओपन कर लोगे वैसे ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। रीड लाइंस बेसिकली अभी आपने केवल एक ही लाइन लिखी है, आपके पास कोई और टेक्स्ट फाइल हो जिसके बाद आपके पास आपके पास नंबर ऑफ लाइंस हो तो आप एक एक करके लाइन रीड कर सकते हो, ठीक है। आप पहली बार रीड लाइन कराओगे पहला लाइन रीड करेगा, सेकंड बार रीड कराओगे सेकंड लाइन रीड करेगा, ऐसे ऐसे करके वो एक एक लाइन रीड करता जाएगा। सो दैट इज योर रीड लाइंस, ओके। अब आपको कोई चीज राइट करनी है, ठीक है, अब आपको कोई चीज राइट करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, एक नया बनाता हूँ और अपने फाइल में एक कोशिश राइट करता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड मैं राइट करता हूँ, ओके। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर राइट करता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मुझे पता है। अब आपको जिस भी नाम से फाइल बनाना है, जैसे आपने यहाँ पे एक्स वाई जी बनाया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, क्या बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे ओके आई टी स्किल्स नाम से कंपनी का नाम बना लेता हूँ। और इसमें क्या करना है, मुझे राइट करना है इस फाइल के अंदर, कुछ राइट करना है, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, आपको पता चल गया एफ1 डॉट आप राइट कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे राइट करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ, वी प्रोवाइड क्वालिटी, सो आई थिंक आई एम राइट जो मैं लिख रहा हूँ। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, मैं इसको रीड कराता हूँ। देखो इसके अंदर बेसिकली 27 का मतलब है कि आपके पास हो सकता है ये 27 कैरेक्टर्स हो, ठीक है, और इसको देख सकते हैं, आपका स्पेस भी उसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, F1 डॉट, ओके, यहीं पे आप ऊपर शायद यहाँ पे आप जैसे ही राइट किए वैसे ही एक आई टी स्किल्स डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बन चुकी होगी, आई थिंक बन चुकी होगी, ठीक है, देख लेते हो अगर कहीं पे बनी हो तो, ओके। अब आपको दिख रही है ना, आप अगर बताना अगर ना दिख रही है तो, आई टी स्किल्स डॉट टेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब अगर आप इसको ओपन करके लिखते हो जो आपने वहाँ पे लिखा था वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आपको दिख जाएगी, तो अब आप इसको देख सकते हो, इसके अंदर वही चीज़ लिखा होगा जो मैंने वहाँ पे लिखी थी, वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग। तो आप उसको ओपन करोगे तो देखो इसके अंदर लिखा था, भी आ जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ नहीं की थी फिर भी आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, या हो सकता है ना, या तो यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ फाइल को,
प्रोवाइड क्वालिटी पे, ओके। तो आप इस तरीके से अपने फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो, ठीक है। आपने ए पे बोला, ए पे राइट कर दिया, आप चाहो कितनी भी लाइन्स इसके अंदर राइट कर सकते हो, वो सारी लाइन्स आपको दिखाएगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे लाइन वहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मीन्स आपको मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने फाइल के अंदर मैं बेसिकली अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपेंड मोड में अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, F1 इक्वल्स टू ओपन, और सेम इसी फाइल के अंदर मुझे अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं इसी फाइल के अंदर अपेंड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी फाइल के अंदर मैं, ठीक है। मैं अपेंड कर रहा हूँ F1 डॉट, और मुझे बेसिकली राइट ही करना है, रीड तो करने जाना नहीं है, ठीक है। ओके, सो वी स्टार्ट वन मैप नेक्स्ट पेज, सो ऐसा मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, एंड F1 डॉट, सो अब देखो, अब आपने ये अपेंड किया, अपेंड मोड में आप खोल रहे हो, अब आप ये चीज़ें ऐड कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये आपकी सेम टेक्स्ट फाइल में ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, अब देखो ये चीज़ें ऐड हो गई होंगी, ओके। रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है, रिफ्रेश होने के बाद ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, चीजें ऐड हो गई, ओके। आपको अगर न्यू लाइन से ऐड करना था तो आप यहाँ पे या तो न्यू लाइन दे सकते हो, या यहाँ पे आप स्टार्ट होने से पहले न्यू लाइन दे सकते हो, ठीक है। आपको अगर न्यू लाइन में ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू लाइन दे सकते हो, ठीक है। तो आप वो न्यू लाइन से ऐड हो गई। सपोज आपको लगता है कि ये फाइल मैंने गलत बना दी, इसको कोई जरूरत नहीं थी, फालतू एक स्पेस कर रहा है, तो आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये फाइल आप डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए क्या करते हो, आप इम्पोर्ट OS, एक लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट करते हो, और इस पूरी फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरी फाइल को जो मैंने ITS की सभी अभी आपके सामने बनाई, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो मुझे बताना था वो बता दिया, अब मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो मैं इस पूरी जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब आप जाओ पे, ठीक है, अब आप इसको हटा दो यहाँ से, अब यहाँ पे जाओ, और इसको रिफ्रेश करने के बाद ITS के सभी को यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड लिखा और रिमूव कर दिया, इस पूरी फाइल को मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जाओगे तो अब आपको ITS नाम का कोई चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है आपकी फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बेसिकली आप अपने फाइल के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो कहीं पे ITS के साथ को दिख रहा हो, तो मेरे घर को दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यही कहीं पे हुआ करता था, बाकी मैंने अब इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, ओके। तो ये आपकी फाइल के बारे में ये चीज़ बातें थी, क्योंकि हम फाइल के साथ बेसिकली क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो मेनली यही तीन ऑपरेशन करते हैं, हमें जो जरूरत होती है वो यही तीन ऑपरेशन की होती है। बाकी आप और भी चीज़ें कर सकते हो, और भी चीज़ें नहीं, बट आप और दूसरे फाइल्स के साथ भी काम कर सकते हो, बट उसको हम अभी हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल ये जानने की जरूरत है कि हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपने देख लिया। कुछ नहीं करना है आपको, केवल यही एक कमांड आपको हमेशा याद रखनी है, और इतना भी नहीं याद रखना आपको, केवल ये ओपन वाला जो ये ओपन स्टेटमेंट है केवल यही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जब आप शिफ्ट दबाओगे तो आपको पूरी अंदर की चीज़ें पता चल जाएगी कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आप या तो बता दो कहाँ से आपका छूटा, मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज मैंने बहुत बड़ी चीज़ नहीं पाई, ठीक है। आप इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं तो आप बता दो, कोई आपको ज़्यादा नहीं छूटा होगा, ठीक है, आपका ज़्यादा कोई नहीं छूटा होगा। आप यहाँ पे बता दो, आप कहाँ से छूटा, क्या आपका क्या रहेगा, आप
आपने रीड करना सीख लिया, राइट करना सीख लिया, अपेंड करना सीख लिया, और इस तरीके से आप फाइल को रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर फोल्डर और योर टैग। ठीक है, ओके, कुछ छूटा तो नहीं आपका यहाँ पर? चलो ठीक, तो अब अगली चीज देखते हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होती है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या है, देखो होता क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, आप हेलो ठीक है, तो आप देख लो इधर उधर रोक के आप अपना कनेक्शन स्टेबल कर लो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आया, यहाँ पे कोई चीज जो छूट गई, आपके कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो, या फिर आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। हेलो अपेंड तक देखा था अभी मैंने। ठीक है, तो अपेंड के अंदर तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी जो फाइल है आप उसके अंदर कुछ कोई भी चीज, ठीक है आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है, आपने एक फाइल राइट की है, ठीक है, अब आपको इसके आपको लगता है कि ये तो यार कुछ भी नहीं, मैंने केवल एक लाइन लिख दी है, आपको और भी कुछ चीजें ऐड करनी है, तो आप अपेंड का यूज करके इस तरीके से अपेंड कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, सेम यही जो आपने ऊपर कोड लिखा है वही कोड यहाँ पे लिखा है, बस आपने इस बार फाइल को अपेंड मोड में किया है। ठीक है, आपको मोड में दिखाया था, तो आपने यहाँ पे केवल अपेंड मोड में ओपन कर दिया फाइल, बस इतना सा। अब आपको लगा कि भाई ये जो मैंने फाइल बनाई हुई है, जो मैंने itskills.txt नाम की फाइल बनाई हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैंने जितनी चीज बतानी थी बता दी, अब इसको मैं अपने फोल्डर से हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट os किया, ठीक है, ये os एक लाइब्रेरी है, और इसको यूज करके आपकी जो टेक्स्ट फाइल थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, आपके फोल्डर से हटा दिया इस फाइल को। ठीक है, बस इतनी सी चीज होती है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और भी चीजें होती है, बट आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो जानना है वो केवल इसलिए, ठीक है, कि आप किस तरीके से राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, किसी में कोई बड़ी चीज नहीं करनी है, आपको हर बार केवल मोड चेंज करना है। ठीक है, जिस तरीके से आप रीड कर रहे हो उसी तरीके से आप राइट कर रहे हो, उसी तरीके से आप अपेंड कर रहे हो, बट बस आप क्या कर रहे हो, हर बार अपना मोड चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके लिए कोई बहुत भारी मोड नहीं है, ठीक है, ये समझना कोई बड़ी बात। ओके, जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज हमें समझनी है, वो है आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम क्यों इम्पोर्टेंट होती है, देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि बेसिकली आप हो सकता है कि आप जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जाओ, ठीक है, तो आपका कोड हो सकता है, ठीक है, आप 100 ऑफ लाइन्स 1000 ऑफ लाइन्स की आप कोड लिखो, एंड कहीं बीच में, ठीक है, लेट सपोज कि कहीं एक जगह कोई एरर हो गई, कहीं बीच में किसी तरह की कोई एरर हो गई, ठीक है, अब आपका क्या होगा कि उस एक एरर की वजह से, जो कहीं भी आपके कोड के मिडल में कहीं पे भी एक एरर हो गई है, उसकी वजह से आपके रेस्ट ऑफ द कोड, जो आपके नीचे के सही कोड होंगे, वो भी रन नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने कोड को, जो नीचे के आपके कोड है, मीन्स आपका अगर कहीं एक्सेप्शन आ जाता है, कहीं कोई एरर हो जाती है, तो आप इस तरीके से कोड लिखो कि वो एक्सेप्शन को हैंडल कर ले, उस एरर को हैंडल कर ले, और नीचे के सारे कोड को वो एज इट इज प्रिंट करके दे दे। ठीक है, एज इट इज मतलब आपका वो कोड चला के दे दे, ठीक है, मीन्स आपका कोड पूरा का पूरा रन करे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो कि बेसिकली ये कहाँ पे इस तरह के केस कहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास @ आपने एक फाइल ओपन किया, ठीक है, अभी हमारे पास xyg वाली जो फाइल है वो सही है, ठीक है, उसके अंदर वो ठीक ठाक पड़ी हुई है, ठीक है, उसको मैंने डिलीट नहीं किया है, ठीक है, और इसको मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ। ओके, और मैं इस फाइल के अंदर अभी एक चीज़ तो राइट थी, मैं यहाँ पे और भी कुछ राइट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कुछ भी राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ मैंने राइट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करा दे रहा हूँ। ओके, अब अगर आप इसको रन कराओगे, ठीक है, रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने राइट मोड में फाइल को ओपन किया और यहाँ पे राइट ही आप यूज कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप यहाँ पे आप आगे नीचे भी कोई कोड चला रहे हो, तो बेसिकली ये रन करेगा।
ठीक है यहाँ पे अगर आप 6+4 इस तरह का भी रन करा रहे हो तो आपका रन करेगा, बट सपोज आपने गलती से आपसे क्या हुआ, आपने यहाँ पे राइट लिखने की जगह आर में डब्ल्यू में ओपन करने की जगह आपने आर में ओपन कर दिया, ठीक है आपने यहाँ पे मोड चेंज कर दिया, तब आपका क्या होगा ये देखो नॉट राइट एबल। अब आपका केवल ये इतना सा कोड गलत है, ठीक है अगर मैं 4 लाइन की बात करूँ तो आपने केवल गलती केवल ऊपर 2 लाइन में की है, ठीक है आपने केवल ऊपर 2 लाइन में आपकी कोई गलती हो गई है, ठीक है बट आपकी जो सही कोड है सपोज आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हो जो कि जेन्युइन कोई आप मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड और वो आप यहाँ पे नहीं प्रिंट कर पा रहे हो, अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो वो आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है जस्ट बिकॉज कि आपने ऊपर 2 लाइन गलत कर, तो सपोज इसके ऊपर आपकी 100 लाइन है और इसके नीचे आपकी 100 लाइन है और कहीं आपने ये छोटी सी गलती कर दी तो इसकी वजह से क्या होगा आपकी जो आपका पूरा फ्लो आपका प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, ठीक है आपके नीचे के जो 3 लाइन होंगे वो भी नहीं क्या करते प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है मीन्स वो भी आपके आउटपुट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है तो हमें इसे हैंडल करना होता है, ठीक है तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है तो जितनी भी चीज़ें आपने गलत लिखी है, ठीक मीन्स जो भी आपका एक तरह से एरर वाला कोड है उसको आप क्या करो ट्राई के अंदर लिखो, ठीक है जो भी आपका एरर वाला कोड है उसको आप ट्राई के अंदर लिखो, ठीक है या आपको सस्पिशियस कोड जो आपको लग रहा है कि जिसके अंदर एरर हो सकता है, ठीक है उसको आप जैसे भी कहाँ लिखो ट्राई के अंदर लिखो, ठीक है और यहाँ पे फिर से आपने एरर कर दी, ठीक है और आप यहाँ पे क्या करो एफ डॉट राइट, ये आपका जो आपका रॉन्ग कोड है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे आपका ये रॉन्ग कोड है था इसको आपने बनाया और यहाँ पे आपने कुछ राइट कर दिया, ठीक है अब आपको राइट करना है लेकिन आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो आप गलती कर रहे हो, ठीक है इसको क्या करो, अब आपके पास दूसरा ब्लॉक आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, ये क्या करेगा ये करेगा क्या कि यहाँ पे आप सपोज कोई प्रिंट मैसेज देते हो और कोई कैलकुलेशन करते हो तो आप देखो ये क्या दिया आपने ट्राई आपका जो सस्पिशियस कोड था, ठीक है आपके कोड कोड के अंदर एरर थी आपने उसको ट्राई के अंदर लिख दिया, ठीक है तो ट्राई क्या कर रहा है बेसिकली ये जो कोड है आप ये अब इससे नहीं मतलब है, ठीक है अब इसके अंदर आपने कुछ लिखा, ठीक है अगर कोड मेरा सही होगा, ठीक है सपोज अगर मेरा कोड सही होता है तब तो प्रिंट होके आ गया, ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसके अंदर आप ट्राई के अंदर जो भी चीज़ जाएगी या तो ये चीज़ ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है अगर आप यहाँ पे मान लो मैं राइट में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है तो देखो क्या होगा ट्राई के अंदर कोई भी चीज़ होगी तो वो प्रिंट नहीं होगी बेसिकली, क्यों क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि वो हो सकता है वो सस्पिशियस, ठीक है तो उसको रीड कराने के लिए हमारे पास एक दूसरा ब्लॉक होता है, ठीक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा ब्लॉक होता है जो ट्राई के स्टेटमेंट को प्रिंट कराए, अगर मीन्स अगर ट्राई के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है और मेरा पूरा ट्राई सही से काम कर रहा है तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ और वो मैसेज प्रिंट कर जाए, ठीक है कि मेरे को एक कि मेरा जो ट्राई के अंदर जो ब्लॉक था वो सही था, ठीक है बट ट्राई आप ऐसे यूज के ऊपर क्यों ट्राई एक्सेप्ट कि आपका कोई एरर है, ठीक है सपोज आपने कहीं एरर कर दिया आपके पास 100 लाइन का कोड है आपने कहीं या आपने 40th लाइन में या 60th लाइन में आपने कोई एरर कर दी, ठीक है तब आप क्या करोगे आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करोगे जिससे आपका क्या हो जो आपका सस्पिशियस कोड हो उसको आप ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर दे और आप कोई भी मैसेज अब इसके नीचे आप कुछ भी करोगे अब इसके नीचे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करो कोई भी लूप चलाओ कुछ भी करो अब इसके नीचे वो बेसिकली कुछ ही परफॉर्म हो सकती है, बट अर्लियर अगर मैं ट्राई एक्सेप्ट नहीं यूज कर रहा था तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे अगर आप कुछ एरर कर दे रहे हो तो इसके नीचे के कोड भी नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है तो बेसिकली ये चीज होती है आपकी ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है अब देखो इसको देखो अब इसको थोड़ा और देखते हैं, ठीक है इसको थोड़ा और देखते हैं कि अब आप देखो अब ऐसा नहीं है जैसे आपको मैंने जब फॉर लूप जब चलाना बताया था या इफ कंडीशन चलाना बताया था, ठीक है तो उसके अंदर बोला था कि आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक मल्टीपल इफ ब्लॉक इस्तेमाल कर दो तो मल्टीपल एलिफ स्टार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सो सेम वे में आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अगर आपको लगता है कि आपके पास और भी सस्पिशियस कोड है तो आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है तो यहाँ पे मैं एक फर्स्ट ट्राई ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, ठीक है और सपोज इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ माय कोड माय अब ओके ठीक है कोड ठीक है और सपोज ये नहीं चलता है तो मैं फिर से यहाँ से एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर लेता हूँ,
ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पर एरर हो जाती है ट्राई ब्लॉक में, सस्पिशियस कोड है वो मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सेप्ट करके इसको रन करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अभी तो आपका यही वाली चीज रन कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऊपर जो आप लिखे हो वो गलत लिखे हो। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर आके देखना है तो इसके अंदर आके आपको देखने के लिए क्या करोगे, आप इसको राइट मोड पे ओपन कर लो। अब देखो ये वाली चीज रेड होगी। ठीक है, अब आपकी ट्राई वाली ब्लॉक जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर और भी चाहो तो और भी आपको मल्टीपल ट्राई ब्लॉक लिखने हैं, आप मल्टीपल ट्राई ब्लॉक लिख सकते हो, कोई रोकने के लिए आ रहा। और अगर आप ये सोचो कि मुझे यहाँ पे आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की जरूरत हो सकती है, जब आपका एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक खत्म हो गया उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक की जरूरत हो सकती है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लिख लो। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया एंड अगेन अब मुझे कुछ, ठीक है, आपको जब भी ट्राई ब्लॉक यूज करोगे तो आपको पता है उसके साथ आपको एक्सेप्ट ब्लॉक भी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया, अब आप इसके अंदर कुछ लिख दे लो। ओके, तो ये सीधी हो गई। अब इसको चला के देख लो, ठीक है, यहाँ पे एरर करके देख लो कि आप ऊपर से नीचे आ जा रहे हो। ठीक है, तो आपका ये वाली चीज प्रिंट हो जा रही है। ओके, सो आप मल्टीपल ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेसिकली कि आप कितने भी ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक चीज आप देखो कि अगर, ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली है। अब एक चीज देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, अब एक चीज देखो कि, और मैं यहाँ पे अपना वही पुराना वाला एरर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एरर है पुराना वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे पुराना वाला एरर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एरर कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एरर कर देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप प्रिंट स्टेटमेंट होती है, मीन्स आपकी स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है और मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो ये इसको नहीं हैंडल कर सकता। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना कि आपका जो सिंटैक्टिकल एरर होती है, मीन्स आपकी अगर सिंटैक्स में कोई एरर होती है तो वो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं हैंडल कर सकता। एक्सेप्ट ब्लॉक आपका केवल रन टाइम एरर हैंडल कर सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं आपको ये, क्योंकि आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन ये कंफ्यूज है, आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, वो किसी भी तरह के एक्सेप्ट एरर हैंडल कर सकता है ना, तो आपका आंसर होगा नो, इट कैन हैंडल ओनली रन टाइम एरर, इट कैन नॉट हैंडल सिंटैक्टिकल एरर, मींस आपका सिंटैक्स में अगर कोई एरर होता है तो वो चीज आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं हैंडल कर सकता है। ठीक है, ओके, तो दूसरा सिनेरियो देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। ठीक है, मैं एक और इसमें एक एडिशन, एक और दो तीन चीजें और बताता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आप इनपुट ले रहे हो ए के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर एक आप इनपुट ले रहे हो। ठीक है, ओके, आप इनपुट ले रहे हो इनपुट के अंदर। ठीक है, ये आपको पता है आप यूजर डिफाइंड एक इनपुट ले रहे हो, आप बी इक्वल्स टू 7 by, ओके, तो आपने 7 by ए कर लिया, देन आप प्रिंट करा रहे हो किसको, बी को। ओके, मैं ये करा रहा हूँ एंड ओके, सो एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे मैं सपोज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई एरर हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होती है तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में आता हूँ और प्रिंट ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, ओके, देयर इज सम इशू ओके। तो अब इसको देखते हैं भाई, ये क्या चीज़ हो रही है, ये कैसे हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू देनी है, तो ए की वैल्यू सपोज मैंने 2 दे दी। ओके, सो यहाँ पे ये 3.5 दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7/2 मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ओके, बट सपोज मैं यहाँ पे ए की जगह, मैं ए पे 2 की जगह यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक बना रखा था, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि 0 से डिवीजन नहीं हो सकता। ओके, सो एक चीज करो, एक काम करो, ओके, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं आता हूँ और एक और अगेन मैं यहाँ पे कुछ एरर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 0 देता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो डिवीजन बाय 0। ठीक है, सो एक्सेप्ट ब्लॉक आप बार बार यूज तो कर रहे हो एक्सेप्ट ब्लॉक, बट
ठीक है, आप एक्सेल ब्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है, आपके पास 100 लाइन ऑफ कोड है, आप कहीं एरर कर रहे हो, तो आप एक्सेल ब्लॉक यूज करके आप उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, आपके आगे नीचे की लाइन आपकी एक्सिक्यूट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आपको जो एरर है, ठीक है, पर्टिकुलर वो जो एरर है, जैसे यहाँ पे इस एरर का नाम है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, तो आपको बेसिकली ये जो एरर ये जो एक्सेप्शन है ये आपको हैंडल तो करना है, ये आपको सही तो करना पड़ेगा, किसी टाइम पे आपको ये एरर सही करनी पड़ेगी, ठीक है, बट आपको ये चीज नहीं पता चल रही, अगर आप एक्सेल ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा एरर है, तो आपको बेसिकली फिर ढूंढने भी जाना पड़ेगा भाई कौन सा एरर आ रहा है, ठीक है, अब मेरे पास कौन सा एरर है ये तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि आपका ट्राइन एक्सेल ब्लॉक से रन तो कर गया, बट आपके कोड में ये सपोज ये लाइन इंपॉर्टेंट थी और इसका जो आउटपुट है वो नहीं हम एक्सिक्यूट करा पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये एरर हैंडल तो करना पड़ेगा, मुझे देखना तो पड़ेगा कि मेरे किस टाइम में एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट आप जब डायरेक्ट यूज करते हो ना, अब आप यहाँ पे ये चीज पेश कर लो, ठीक है, जब आप एरर यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हो तब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक कस्टम मैसेज देते हो, ठीक है, ये दिस मैसेज इज नॉट गिवन बाय योर सिस्टम, ठीक है, ये मैसेज आप खुद से दे रहे हो, दिस इज योर कस्टम मैसेज, ठीक है, अब आपके सिस्टम से क्या मैसेज प्रिंट हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने सिस्टम से ये मैसेज प्रिंट करा सकते हो, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, जो पर्टिकुलर जो एरर है वो एरर आप देख सकते हो कि कौन सा एरर है, वो आपका सिस्टम आपको बता सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो एक्सेप्शन एसई एस ओके एंड ये यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, वो एक सेकंड में देखता हूँ, फिर से लिखो यहाँ पे कनेक्टेड तो दिखा रही है, हेलो वो सारे कुछ दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है ना, वॉइस क्लियर है, आपको दिख रहा है सर? हाँ मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है सर, एक दिन हमारे तरफ से रहता है, एक दिन उनकी तरफ से रहता है, हेलो सर, चलो आपको दिखे तो आप बताना, ठीक है सर, जस्ट मिनट सर, मैं स्टॉप करता हूँ अभी सर, अभी हाँ सर, अभी स्टॉप कर, ठीक है सर, ठीक है अभी स्क्रीन दिख रही है आपको, यस सर स्क्रीन दिख रही है, कंटिन्यू कर, यस सर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई थी ना, कुछ छोटा तो नहीं था ना पीछे का, नो सर, ठीक, फिर यहीं से देखते हैं, ठीक है, पीछे जाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे आपको मैं यही बता रहा था कि सपोज आपको ये पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा एरर है, ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हो कि पर्टिकुलरली आपकी जो आपकी सस्पिशियस लाइन है जो आप ट्राइम ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो, अगर वहाँ पे कोई एरर होती है तो बेसिकली वो कौन सी एरर है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर पता चल जाए, ठीक है, मेरा जीरो डिवीजन एरर है या डिवीजन बाय जीरो सम टाइम मिस्टेक का कुछ एरर है, तो आप यहाँ पे जाओगे, आप उसको जीरो से नहीं किसी और नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, जस्ट ठीक है, ये एक तरीका है हैंडल करने का, दिस इज अ सिस्टम मैसेज, ठीक है, सिस्टम आपको इस तरीके का मैसेज दे देता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप इस तरीके की भी एरर करेंगे, ठीक है, अब आपको क्या होता है, ठीक है सर, अब आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपका ये जो आपने लिखा है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एसई, तो इसके अंदर आप देख भी सकते हो कि किस टाइप का एरर है आपका, ठीक है, और ये आपका जस्ट एलियास नेम है, जैसे आप पहले भी यूज करते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जब भी आप उसको प्रिंट करोगे तो बेसिकली आपको नाम बता देगा, ठीक है।
ठीक है, कौन सा एरर है, ठीक है। तो एक ये आपका सिस्टम मैसेज है, ठीक है, कि सिस्टम की तरफ से आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि भाई आपके प्रोग्राम में या आपके कोड में ये एरर है, ठीक है। अब एक चीज आती है, अब आपके दो और ब्लॉक्स होते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर, आपके पास दो और ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका एल्स ब्लॉक और एक होता है आपका फाइनली ब्लॉक, ठीक है। सो वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं कि इन ब्लॉक्स के अंदर होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज हटा लेता हूँ, अब बार बार मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ और मैं बेसिकली अब देखता हूँ कि एल्स ब्लॉक क्या करता है, ठीक है, एल्स ब्लॉक क्या करता है। तो अगर आपको फॉर एल्स याद है तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एल्स ब्लॉक यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे एल्स ब्लॉक मैनेज करना चलाता हूँ एल्स ब्लॉक, और मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट कराता हूँ एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ओके। सो द कोड इज फाइन, तो मैं इसको देखता हूँ और यहाँ पे जब आप एरर करोगे तब तो ये एक्सेप्ट के अंदर आ जाएगा, तो मैं एरर नहीं कर रहा हूँ, मैं सही वैल्यू लिखता हूँ। अब देखो तो एल्स ब्लॉक सेम जैसे आपका फॉर एल्स काम करता था, जिस तरीके से आपका फॉर एल्स रन करता था, सेम वही चीज है एल्स ब्लॉक के अंदर, कि अगर आपका ट्राई वाला जो ब्लॉक है अगर वो कम्प्लीटली रन कर गया है, ट्राई वाला ब्लॉक आपका काम कर रहा है, आपका ट्राई ब्लॉक करेक्ट है, तब आपका एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करोगे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर एल्स ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे एल्स ब्लॉक का ये काम है। अब लास्ट ब्लॉक जो आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो ब्लॉक आता है, लास्ट ब्लॉक आती है, दैट इज फाइनली ब्लॉक, ठीक है। सो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, फाइनली ब्लॉक जो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख रहा हूँ वही होता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस ब्लॉक should execute no matter what. तो ऊपर चाहे जो भी हो, चाहे मेरा एरर हो या एरर ना हो, एक्सेप्ट ब्लॉक चले ना चले, एस ब्लॉक चले ना चले, कोई मेरी कोई ब्लॉक नहीं चले, मेरा कोई प्रिंट स्टेटमेंट ना रन हो, बट ये फाइनली ब्लॉक डेफिनेटली रन होगा, ठीक है, ये फाइनली ब्लॉक डेफिनेटली एक्सिक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मैं बिना एरर के एक बार रन कराता हूँ, तो देखो बिना एरर के मैं रन कराया तो ट्राई वाले के अंदर गया, ठीक है, जब ट्राई वाला मेरा पूरा रन कर जाएगा बिल्कुल सही चलेगा, तो आपको बेसिकली प्रिंट बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंट बी की आपको ये 5 कहाँ से आ रहा है, 5 ऊपर से कहाँ से टर्म पड़ा, ठीक है, अच्छा हाँ 5 आपने इनपुट किया था, मैंने 5 इनपुट किया था, अब 1.4 आपकी बी की वैल्यू आ गई, देन आपका एस ब्लॉक प्रिंट हुआ, ये प्रूफ है कि आपका ट्राई ब्लॉक बिल्कुल सही काम कर रहा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको कोई एरर नहीं है, ठीक है, देन आपका कोड फाइन, देन दिस ब्लॉक शुड एग्जीक्यूट नो मैटर। अब अगर आप कोई एक्सेप्शन करते हो, आप पर कुछ एरर कर देते हो, फिर भी आपका ये ब्लॉक रन होगा, ठीक है। सो फाइनली ब्लॉक का मतलब है, अब आपको देखो यहाँ पे आपका एस ब्लॉक नहीं रन होगा, एस ब्लॉक क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि सीधा सा मतलब है एस ब्लॉक कब रन होगा, जब आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर जो चीजें आपने लिख रखी है वो जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब आपका ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट लाइक फॉर स्टेटमेंट, जब आपके फॉर में हम लूप के आखिरी आइटरेशन तक पहुंच जाते थे तब हमारा एस ब्लॉक रन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारी चीजें हो जाएंगी, आप क्या कहते हैं, आप बेसिकली कुछ कर लोगे, तब आपका एस ब्लॉक के अंदर जो आप स्टेटमेंट डाले रहोगे या कुछ भी आप काम किए रहोगे तो आप प्रिंट होगा, ठीक है। बट फाइनली ब्लॉक आपका किसी भी हाल में प्रिंट होगा, मीन्स आपके एक्सेप्शन है नहीं है, ठीक है, नो मैटर, आपका ऊपर से कोई ब्लॉक नहीं रन कर रहा है ना रन करे, बट आपका ट्राई ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। सो दिस इज योर, ये चार ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, कौन कौन सा है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, ठीक है। सो ये आपके चार एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली, ठीक है, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखते हैं, एक और एक नई चीज देखते हैं, एक नई चीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई चीज फाइंड आउट करता हूँ, क्या करूँ मैं, ओके, मैं एक नया यहाँ पे सिनेरियो लेता हूँ, मैं जीरो नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे जीरो नहीं देता हूँ, मैं कोई यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ, अब देखता हूँ क्या हो रहा है, ओके, स्ट्रिंग देयर इज सम इश्यू एंड दिस विल रन नो मैटर व्हाट, ओके। सो और ये तो रन करेगा, ठीक है, ये रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सपोज मैं यहाँ पे कुछ रन कराने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करके देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ,
ओके मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ, एक बार देखता हूँ अगर पता नहीं, ये मैं अपने दिमाग से ही अपने कुछ ऐसे फितूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ ये देखो ये आया, अरे ये तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप मान लो इस तरह की कोई बात होती है तो आपको पता है इसको भी आप हैंडल कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, आप इसके नीचे फिर से फाइनली ब्लॉक चला दो, ठीक है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये काम आप, चलो ये काम मैं कर सकता हूँ, अगेन ओके नो प्रॉब्लम, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ओके मैं कुछ और करता हूँ, ठीक है मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है आपका सिंथेटिकल एरर नहीं वो देख पाएगा, इतना इतनी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, चलो इसको रियल सिनेरियो में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है अभी आपको चलो इसको छोड़, ये मैं पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था इसको, ठीक है जीरो आता है ये आ जाएगा, रबर आता है तो तीन ब्लॉक हो जाएंगे, चलो ठीक है मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ सिनेरियो रियल सिनेरियो देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है क्यों, देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक है या जो मेरे ये चारों ब्लॉक्स हैं ये स्टैंड अलोन ब्लॉक्स हैं, स्टैंड अलोन का क्या मतलब है कि मैं इसको अलग अलग, अभी तक मैंने इसको केवल अलग अलग यूज किया, मतलब अकेले अकेले यूज किया, जो मैं आपको एक सबसे पहली चीज जो आपको बता रहा था कि आप अपनी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और कहीं आपके कोड में कुछ एरर है तो बेसिकली आप अपना कोई भी कोड ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से स्टार्ट करोगे नहीं, ये तो आप करोगे नहीं ना कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से स्टार्ट किया और फाइनली पे बन रहा, ये काम तो आप नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, अब आप रियल सिनेरियो में देखो कि आपके पास आप कुछ सच में बना रहे हो और उसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है तो हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ आपके लिए, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है तो इसको देखते हैं ध्यान से कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आस्क इंट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को इंटीजर डालना है, ठीक है अब आप चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर लो या अनम्यूट आप बीच बीच में करके बताते रहना, बट इसमें आपकी सारी चीजों का टेस्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है, वाइल कंटिन्यू पास ब्रेक एंड फॉर लूप फॉर एल्स लूप, ठीक है इसमें सारी चीजें मैं यूज करूंगा, ठीक है मैं कुछ ना कुछ करके सारी चीजें यूज करूंगा, अब आप देखो अब आप मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ पे जब मैं कोई कंडीशन दूंगा तो आप बताना कि इस कंडीशन में कौन सी चीज यूज होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है हिंट आप तो मैंने पहले दे दिया कि यही सारी चीजें यूज करने वाला हूँ मैं, ओके अब मैं केस आपकी बस चेंज करता जाऊंगा, ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अगेन इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट के अंदर भाई मुझे कुछ वैल्यू डालनी है, सो प्लीज गिव मी एन इंटीजर, मुझे कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, ओके सो प्लीज गिव मी एन इंटीजर, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने डाल दिया, ओके यहाँ पे मैं एरर करूंगा जानबूझ के एरर करूंगा, ठीक है और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन भी अपना देख रहा हूँ कि भाई मैं कौन सा एरर कर रहा हूँ, ये भी मैं देखना चाह रहा हूँ, ये भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है प्रिंट प्रिंट अभी केवल इतना था, ठीक है अब ओके अब यहाँ पे मैं अगर हास फंक्शन कॉल करता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये मेरे से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई इंटीजर डाल दो, ठीक है मैं इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डाल दे रहा हूँ, ठीक है मैं गलती कर रहा हूँ जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, इनवैलिड लिटरल फॉर एंड विद बेस 10, ठीक है यहाँ पे जैसे ही मैंने स्ट्रिंग की जगह इंटीजर डाला तो ये भाई ये मेरा एरर आ गया, ठीक है और ये जो आपको इनवैलिड लिटरल दिख रही है, अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट आपने इस वजह से दिख रही है क्योंकि आपने आपने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कराया, आप चाह रहे थे कि भाई जो एरर आप कर रहे हो वो आपको एरर पता चल जाए, तो वो आपको एरर पता चल जा रही है, ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है अब मुझे इसके आगे भी जाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉग बनाता हूँ एक, ओके फाइनली ब्लॉग बनाता हूँ और इसके अंदर कुछ प्रिंट करता हूँ, ठीक है तो फिर से मैं यही वाली चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना कौन लिखने जाए यही वाली चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मतलब तो यही है भाई ये ब्लॉग प्रिंट होगा नो मैटर वॉट, इसको किसी से लेना देना ही नहीं है, अलग ही बंदा है, ठीक है और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे V को प्रिंट करा रहा हूँ, V मेरा क्या है यही इंटीजर है, ठीक है अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है भाई, मैं फिर से पूरा बात कर रहा हूँ, अब देखो अब क्या हो गया, जस्ट लॉक शुड एक्सिक्यूट नो मैटर व्हाट, और उसके बाद एक ये चीज आ गई, लोकल वेरिएबल वेरिएबल V रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि आपने असाइनमेंट नहीं दिया है, सिंपल सी बात है यार आपने
स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, उसको इंटीजर चाहिए, तो वो तो यही जान रहा है ना कि आपने कोई असाइनमेंट किया ही नहीं है, वी के लिए कोई असाइनमेंट नहीं किया और आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे हो, क्यों प्रिंट कराना चाह रहे हो जब आपने असाइनमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये एरर नहीं देखनी है, आपको अपना साफ सुथरा सा ब्लॉग देखना है, आपको एरर नहीं देखनी है, तो आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने अभी ऊपर बताया कि आप क्या करोगे, आप फिर से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉग बना लो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपको एरर नहीं देखनी है तो यहाँ पे फिर से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉग बना लो, आपको कोई रिलैक्सेशन थोड़ी ना है, आप ऐसा थोड़ी ना कि आप केवल एक बार बना सकते हो या दो बार बना सकते हो, मैं फिर से ही बना लूंगा, ठीक है, तुम करते जाओ जो करना है, ठीक है, तुम एरर देते जाओ, मैं उसको कहीं ना कहीं हैंडल करता जाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता रहूँ, ट्राई ब्लॉग आपका इसी के नीचे आएगा, एंड अगेन फिर से मैं एक्सेप्शन हैंडल कर देता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, ओके, और मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करा दे रहा हूँ ई को, अब देखो क्या हो रहा है, अब रन कराओ, अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डालो, सही हो गया, ठीक है, अब मेरे को कोई एरर नहीं दिख रही है, और आप देखो जो आपने एक्सेप्शन देखा था इसके पहले जो आपने एक्सेप्शन देखा था सेम टू सेम वही एक्सेप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये चीज तो आप कर पा रहे हो, ठीक है, मैं ये चीज तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कि हो क्या रहा है, ओके। अब अगर आप सपोज कोई आपको इंटीजर इसकी जगह, अब आप यहाँ पे एक काम करो, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई इंटीजर प्रिंट कराता हूँ, सच में कोई इंटीजर प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका 65 आपने कहीं प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं प्रिंट होके आएगा भी नहीं, एक्सेप्ट ब्लॉक में वो आएगा नहीं, तो आपका ये एक्सेप्शन प्रिंट होना नहीं है, सबसे पहली चीज ये कि प्रिंट को कह रहा है दिस ब्लॉक शुड एक्सिक्यूट नो मैटर व्हाट, ठीक है, तो मेरे फाइनली ब्लॉक तो एक्सिक्यूट होता ही होता है, उसको किसी देना देना नहीं होता है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट बी, प्रिंट बी मेरा क्या था 65 था, तो वो प्रिंट होके आ रहा, ठीक है, तो इतनी चीजें हम देख लिए, इतनी चीजों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब मुझे चेक करना है कि ठीक है मेरा एक्सेप्ट, मेरा जो ट्राई ब्लॉक है जब वो रन करता रहता है तो मैं उसको चेक भी कर लेता हूँ, उसका एक प्रूफ ले लेता हूँ कि भाई मेरा जो ट्राई ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किया, ब्रेक के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, आई हैव अ वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी, तो ये आपने यहाँ पे एज ब्लॉक यूज कर लिया, ठीक है, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऊपर देखती जाओ आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ पे फिर से नई कहानी शुरू कर दी है ट्राई एक्सेप्ट एस ब्लॉक की, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो पहले किया हुआ वही कर रहा हूँ, बस फिर से एक नई कहानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, इसी केस के अंदर मैं अपनी केस स्टडी बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, इसी के अंदर मैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है, तो ये चीजें तो आपको भाई समझ में आ गई, ठीक है, ये चीजें होती है, ये चीजें मैं कर सकता हूँ, ये मैंने देख लिया, अब आपके पास एक केस है, अब आप मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे, ठीक है, अभी तक तो चलो ठीक था, यहाँ पे मैं, ठीक है, पूछा दे रहा हूँ किस तरीके का है, बट मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं उसे एक इंटीजर न दे, ठीक है, मतलब जब तक मैं यहाँ पे एक इंटीजर न दे दूँ तब तक वो मुझसे पूछता रहे कि भाई ये इंटीजर, ठीक है, मीन्स आपसे एक भिखारी तब तक भीख मांगता है जब तक उसको भीख नहीं दे, ठीक है, तो ये आपने पूछा है कि भाई मेरे को इंटीजर दे दो, इंटीजर दे दो, इंटीजर दे दो, ठीक है, जब तक आप इंटीजर नहीं दोगे तब तक ये पूछता रहे, ऐसा नहीं कि केवल एक बार पूछा आपने नहीं दिया तो वो नीचे नीचे ब्लॉक्स में आ गया, ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है, ओके, अब आप अनम्यूट हो जाओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है, जब तक वो मतलब इंटीजर वैल्यू ना दे तब तक वो ट्राई से नीचे ना जाए, ठीक है, अब आप बताओ क्या करोगे, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, ऐसी एक लूप हमने पढ़ी है जो तब तक चलता रहता है जब तक उसको क्या करते हैं उसका स्पेसिफाइड एंड पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, if स्टेटमेंट यूज करेंगे और टाइप में लिखेंगे जब तक मतलब आज इंटीजर वैल्यू ना मिले तब तक वो मतलब ना आगे चल पाए, यहां पे आप इंटीजर स्टेटमेंट यहां पे यूज करना चाह रहे हो, नो सर, ट्राई के ऊपर यूज करेंगे ना, बी के मतलब ऊपर, अच्छा यहाँ पे मतलब मैं इंटीजर देने से पहले पूछूं कि मेरा जब तक टाइप पे इंटीजर ना हो तब तक मेरे को इंटीजर देते जाओ,
यस सर ओके बताओ क्या लिखेंगे इफ टाइप ऑफ क्या इक्वल टू int बस सर सेमी कॉलन 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 हाँ और कुछ करना है नो सर ठीक है शायद से ये रन कर भी जाए बट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ठीक है मैं एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दूंगा ठीक है तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी एंड आई थिंक अब देखो ये क्या हो रहा है ये तो यार रन ही नहीं हो रहा है ये आपको क्या दे रहा है लोकल वेरिएबल बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट दिस ब्लॉक शुड एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट देन फिर से लोकल वेरिएबल बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट ठीक इस तरीके से नहीं होगा वो ये इस तरीके से नहीं होगा इस तरीके से क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो सबसे पहली चीज आप कोई भी कंडीशन या आप कोई भी रूल चलाना चाह रहे हो ठीक है तो उसको आप ट्राई के अंदर नहीं चला सकते क्यों ट्राई के अंदर आपकी हमेशा जो होती है आप एक सस्पिशियस कोड आपके दिमाग में होता है कि देयर इज सम इशू विद दिस कोड ठीक है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ ब्लॉक इन दिस ब्लॉक और इन दिस कोड ओके आपके दिमाग में एक चीज होती है ठीक है ट्राई के अंदर हो सकता है नो मैटर आप हो सकता है कि कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको बिना एरर के या बिना सस्पिशियस कोड वाला वो क्या कहते हैं एक ब्लॉक हो जाए ठीक है उसके अंदर कोई एरर ना हो ये हो सकता है पॉसिबल है बट हम ट्राई ब्लॉक यूज क्यों करते हैं ठीक है एक सस्पिशियस कोड को हैंडल करने के लिए ठीक है अब आपके पास जो स्टेटमेंट है जो आपकी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपकी स्टेटमेंट क्या है कि आप जब तक लूप चलती जाए जब तक ये लूप चलती जाए जब तक कि आप इंटीजर ना मिल जाए तब तक वो बीप मारता रहेगा जब तक उसको इंटीजर ना मिल जाए ठीक है तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको बार बार इस लूप के पास आना है आपको बार बार कहीं से एक जगह से आपको जहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट होता है आपका जहाँ भी एक्सेप्शन इश्यू होता है या जहाँ पे आपका एक्सेप्शन रेप होता है वहां से उसके बार बार आपको इस लूप के पास आना है एक लूप चलानी है जब आपको बार बार कहीं पे आना है बार बार लौट के किसी चीज को यूज करना है तो आप लूपिंग स्टेटमेंट के पास जाओगे आप कंडीशनल स्टेटमेंट के पास नहीं जाओगे समझ लो yes, आई बात समझ में ठीक है सो मेरे पास एक लूपिंग स्टेटमेंट है दैट इज व्हाइल को याद करो एक एग्जांपल ही मैंने दिया था बट व्हाइल को याद करो और इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ये जो आपको नोटबुक मिलती है इसी केवल इसी नोटबुक को आप शिफ्ट एडिटर मत किया करो कुछ और करो इसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम जनरेट करो ठीक है और Always देखो आपको पता है मैंने आपको याद होगा हम पिछली बार कुछ कर रहे थे मैप वाला आपको ध्यान दिया आपने वहाँ पे क्या हुआ था और मैंने क्या सही दिखा फिर वो चल गया आपने वो नोटबुक खोल के देखी कौन सी वाली सर इसके पहले वाली नोटबुक सेशन 5 वाली वो नोटबुक खोल के देखी आपने वो तो लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आपने बोला था देख लो इसकी मैप की वाली आपने देखी खोल के नोटबुक यस सर देखी थी ठीक है yes. हम कहां पे एरर कर रहे थे क्या हो रही थी प्रॉब्लम मैप वाले जो हम बहुत देर तक फंसे हुए थे बहुत देर तक फंसा हुआ था याद है आपको ये किसी पॉइंट को बहुत देर तक मैं फंसा हुआ था फंक्शन यूज करने के लिए ठीक है प्रॉपर्ली नहीं देखी आपने बेसिकली होता ही है वो स्क्वायर वाला आप जो कर रहे थे उसी में कर रहा था तो वहां पे क्या प्रॉब्लम थी क्या आपको मिला कि क्या मैं वैसे की मिस्टेक क्या कर रहा था ब्लंडर क्या कर रहा था मैं अगर आपको नहीं मिला तो आपने पूछा भी नहीं
सपोज मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोस ही बोला था कि मैं इसमें कुछ इंप्लीमेंट करके भेजूंगा और ये डीबग करके भेजूंगा, ये बात मैंने बोली थी, ठीक है। सपोज आपको वहां पे कोई डीबगिंग नहीं दिखी, आपको नहीं दिखा कि सर ने तो केवल मेरे को ब्यूटी बनानी है, केवल क्या कहते हैं अपने हिसाब से लैम्डा यूज करके भेज दिया और एक्सटर्नल फंक्शन वाला तो भेजा ही नहीं, तो हो सकता है आपने ये चीज भी नोटिस की हो, तो भी आपको पूछना चाहिए था। और अगर आपको बगिंग दिख गई थी तो वो बग आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा था। ये मैं आपको कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि आप क्या करते ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल आपके आपके असाइनमेंट बहुत अच्छे होते हैं, आप सबमिट करते हो टाइम पे, बट ठीक है, आप जो नोटबुक आपको मिलती है आप उसके अंदर खुद से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, ठीक है। वाइल की मेरे को पता है, मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करो और लेके आओ, ठीक है, कुछ एरर आप लेके आओ, कुछ आप प्रॉब्लम लेके आओ मेरे पास, ठीक है। हो सकता है आप कुछ ऐसे सिंपल लेके आओ जो मुझे भी ना पता हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछली बार अगर आप ध्यान से नोटबुक के अंदर देखोगे तो कोई एरर नहीं था, ठीक है, कोई एरर नहीं था, ठीक है, दैट वाज अ सिली मिस्टेक। मैं बहुत ही होता है ना वाहियात तरह की गलत मैं वहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा था और मैं बहुत ही गलत कंडीशन के अंदर अपनी बात को प्रूव करना चाह रहा था, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। और दैट बिकॉज की हम बहुत देर से नेट कनेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, 20 मिनट के बाद हमने ज्वाइन किया था और उस कंडीशन में ठीक है, मैं दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं आपके सामने कोड लिखता हूँ, ठीक है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग कि मैं आपको पहले से कोड लिखा हुआ है और आपको चला चला के केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती है, इस तरह की चीजें हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर ये नोटबुक मिल रही है तो इस नोटबुक के अंदर तो केवल इतनी चीजें ना जो हम एक घंटे में कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर की जो चीजें हो सकती है इसके ऊपर और भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इसलिए मैं आपको नोटबुक इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ये चीजें तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, आप करके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये नोटबुक आपको इसलिए दिखता हूँ, इसके अंदर आप अगर मैं 54 इनपुट्स है मेरे तो आप इसको डबल कर दो, ठीक है, कुछ और चीजें आप अपने आप से सिनेरियो डाल के डबल कर दो, ठीक है। तो ये चीजें किया करो, ओके, ये आपको मैं सुना रहा हूँ, आपके आपने आपके असाइनमेंट टाइम से आते हैं, आप टाइमली सब कुछ करते हो, तो आप बहुत अच्छा काम करो, बट ये इन चीजों पे भी ध्यान दिया करो, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, वाइल आपकी वो लूप होती है जो आपकी तब तक चलती रहती है जब तक उसको एक आपकी स्पेसिफिक कंडीशन मीन्स आपकी कंडीशन जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल उसको नहीं मिल जाती, ठीक है, जब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक वो लूप चलता रहता है, ठीक है। वाइल के अंदर ये चीज होता है, ठीक है। फॉर के अंदर आप एक रेंज दे सकते हो, आपको पता है फॉर के अंदर आप एक रेंज दे सकते हो, ठीक है, आप मीन्स आप एक रेंज डिसाइड कर सकते हो, बट वाइल के अंदर जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो तब तक लूप करता रहेगा, ठीक है, ये चीज याद है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, वाइल के अंदर मैंने ये कंडीशन डाल दी, ओके, अब वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल चीज होती है, ठीक है, जो आपका वाइल ट्रू होता है दैट इज यूनिवर्सल, कि आपका जब तक ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, ये कोई आपकी अलग चीज नहीं है। वाइल ट्रू आप जहाँ भी देखो इसका मतलब है, अगर आप इसको सी प्लस प्लस आपको आपने कभी पढ़ी हो तो, ठीक है, उसके अंदर होता है वाइल ट्रू का मतलब होता है एक, मतलब वाइल अगर आप कोई एक वैल्यू ले रहे हो वाई ए तो उसका मतलब होता है वाई ए इक्वल्स टू वन, ठीक है, मतलब आप केवल a लिख रहे हो बट उसका इन डिफॉल्ट मतलब होता है a equals to 1, तो true का मतलब होता है कि जब तक आपकी कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इंटीजर देना चाह रहा हूँ, तो जब तक इसको इंटीजर नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक ये भीख मांगता रहेगा, ओके। सो वाइल ट्रू, अब आपको कोई चीज पता है कि अगर आपने एक्सेप्शन कर दिया, ठीक है, मीन्स आपने स्ट्रिंग दे दी और आप लगातार स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग दिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फाइनली के इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, आपकी एक्सेप्ट ब्लॉक आपकी उस एरर को एक्सेप्ट तो कर ले रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, फाइनली इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ इस एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे नहीं जाना है। अब मुझे अभी फाइनली होने लिए प्रिंट कराना है, अभी मेरे को ये नीचे नहीं जाना है, मेरे को केवल यहीं पे काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ से दोबारा इस लूप के पास जाना है, फिर से इससे भीख मांगनी है, फिर दोबारा जाना है, जब तक नहीं देगा तब तक मैं मांगता रहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या है, उसके पास उसके लिए आपके पास एक और स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको डायरेक्टली लूप के पास भेजती है, ओके, वो स्टेटमेंट आपकी है, आपको ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये चीज मुझे याद थी, ठीक है। सो बेसिकली वो स्टेटमेंट आपकी है कंटिन्यू, ठीक है, याद आया, कंटिन्यू आपकी स्टेटमेंट है जो आपको बार बार लूप के पास भेजती है, हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है।
यस सर. सो कंटिन्यू, आपको अगेन जैसे ही आपका ये एक्सेप्शन आया वो आपको अगेंस्ट वाइल के पास भेज देगी, फिर आपका एक्सेप्शन आया फिर आपको वाइल के पास भेज देगी, जब तक आप नहीं दोगे उसको. ठीक है, चला के देखते हैं. अब आप इसको मत दो, मत दो, अगेन मत दो. ठीक है, मत दो, मत दो. ठीक है, यहाँ पे मैं तरस खा के दे दिया अभी. ओके, सो आई हैव अ वैल्यू ऑफ बी, प्लीज गिव मी एन इंटीजर. अब देखो, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. देखो अब क्या हो रहा है, आई हैव अ वैल्यू ऑफ बी मतलब ये एल्स वाला, मतलब अगर आपको आपको पता है अगर आपका ट्राई सही से रन कर जाएगा तो ये एल्स में आके एल्स वाला प्रिंट करा देगा. ठीक है, तो इस मेरा ये तो मुझे पता हो गया कि मेरा आई रन कर जा रहा है. बट अब इसमें क्या हो रहा है कि नीचे के जो ब्लॉक्स हैं, फाइनली है, फिर अगेन मैंने कुछ ट्राई एक्सेप्शन बनाया हुआ है, वो सारी चीजें नहीं रन कर पा रही हैं. क्यों? ये अगेन अभी मैं इसको फिर से अगर मैं इंटीजर दे दूं उसके बाद भी ये मेरे से पूछेगा, तो ये पूछना अपना बंद नहीं कर रहा है. तो अब ये तो आपको पता है कि मेरे को जब कोई चीज बंद करवाना होता है, किसी पर ब्रेक लगाना होता है, तो मैं क्या करूंगा. ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगा. ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको ब्रेक कराना है, आपको जहाँ पे रुकना है वहाँ पे आप क्या कर लोगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लोगे. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आप जो ट्राई एंड एस ब्लॉक यहाँ चला रहे हो, ये वाला एस ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, तो आप क्या करो, आप यहीं पे सेटिस्फाई हो जा रहा है. ठीक है, अगर आपकी आपकी ट्राई ब्लॉक तो आपकी आपकी ट्राई ब्लॉक को वैल्यू मिल जा रहा है, इंटीजर मिल जा रहा है, तो मतलब आपका ट्राई ब्लॉक यहीं पे सेटिस्फाई हो जा रहा है. तो मैं यहाँ पे एक एस ब्लॉक चला देता हूँ. ठीक है, एस ब्लॉक ये वाला रन करेगा, डेफिनेटली रन करेगा, क्योंकि मैं अगर मैं इंटीजर दे दूंगा तो, अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो नहीं रन करेगा. तो ओके, सो इट विल रन. ओके, और जब ये रन कर जा रहा है, मतलब जब मेरा ट्राई कंप्लीट हो जा रहा है, जब उसको इंटीजर मिल जा रही है, तब मैं क्या बोलूंगा, भाई ब्रेक लगा दे, बस कर, मेरे को अब नहीं चाहिए. ठीक है, तो जैसे ये मुझे मिल जाएगा मैं उसके ऊपर ब्रेक लगा दूंगा. ठीक है, अब इसको चला लो. ज्यादा चल गया क्या, मतलब जैसे आप यहाँ पे कोई वैल्यू डालोगे, जब आप इंटीजर दे दोगे तो आपको समझ जाएगा कि भाई ट्राई वाला काम खत्म हो गया, ये एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, देख लेते हैं ये ऐसा क्यों हो गया, इतना बड़ा तो कोड बन गया कि ये क्या कहते हैं, मेरा कर्नल इसको हैंडल नहीं कर रहा है. अरे चलो इंटरप्ट कर लेता हूँ, मैं इंटरप्ट कर लेता हूँ. रीस्टार्ट, ये थोड़ा नया ही कोड है, मुझे मैंने का ग्रुप करने को बैठा नहीं. ठीक है, तो पहले मैंने इंटीजर दिया, जब इंटीजर दिया ठीक है, तरस आया मेरे को, मैंने दिया. ओके, तो इफ आई विल रन दिस ब्लॉक फॉर माय एग्जीक्यूट नो मैटर व्हाट. ओके, आपको पता है एस ब्लॉक आपका रन करेगा, और आपका नो मैटर कोई आपका ट्राई रन कर रहा है, नहीं एक्सपेंड कर रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका फाइनली ब्लॉक हर कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा. तो आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो. ओके, सो आपका फाइनली ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, ओके, ठीक है. कोई चीज इसमें जो आपको ना समझ में आई हो, अगेन अब आपको अगर अपना प्रिंट, आपको जो ये बी है वो प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये अब इस इन ब्लॉक्स की मुझे जरूरत नहीं है. ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ब्लॉक लिखा था यहाँ पे, ये ब्लॉक्स इन ब्लॉक्स की मुझे जरूरत नहीं है. ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाह रहा था, उस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ. और मैं अगेन यहाँ पे सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर दे दिया, और देखो अब यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का इंडेंटेशन सही करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप अपने प्रिंट का इंडेंटेशन सही कर लोगे तो वो बेसिकली प्रिंट करने लगेगा. ठीक है, तो आप क्या करो, प्रिंट को केवल प्रिंट का इंडेंटेशन सही कर दो, एंड आई थिंक ये सही से रन करेगा. ओके, अब आपका प्रिंट जो वी है ये रन करने लगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. ओके, तो ये आपका सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेस होता है. एक्सेप्शन हैंडलिंग में मतलब कम से कम इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, जितने मैंने सिनेरियोस ले लिए, जितने केसेस समझा दिए, कोई भी कम से कम कितने ब्लॉक्स नहीं समझाएगा. ठीक है, वो सिंपली आपको ट्राई ब्लॉक बता देंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देंगे, फाइनली ब्लॉक बता देंगे, उस
उसमें आप एस ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, आप व्हाइल भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, कंटिन्यू भी यूज कर सकते हो, ब्रेक भी यूज कर सकते हो। अगर आप मुझसे अभी इसमें फॉर लूप लगाने के लिए तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये आपने एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग में तो बहुत ज्यादा चाहिए पड़ती। तो ओके, सो इसमें कोई डाउट तो नहीं हुआ आपको किसी कहीं पे भी किसी कोड में किसी सेल में? ओके, किसी सेल में कोई डाउट हुआ? नो सर। ठीक है, आप समझ गए कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कहाँ यूज कर सकते हो, किस तरीके से आपका अगर रियल सिनेरियो है, आप फंक्शन बना रहे हो उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। So this yes, is all about your exception handling, this is all about your file handling. Okay, देख लेते हैं। आपसे हुआ जो आपका कलिंग रूम वाला फंस रहा था, आप कलिंग रूम वाला जो आपसे गलत हो गया था? नो सर, वो नहीं हुआ। वो सर सेम मेरा जो आज आप में आ रहा था ना, आप वो कोड रन कर रहे थे तो वो हो नहीं रहा था, स्टार्ट टाइप का कुछ आ जा रहा था। कौन सा कोड रन कर रहा था मैं? अभी आपने कर्नल को इंटरप्ट किया, रीस्टार्ट किया, फिर आपने वैसे ही आ जा रहा था सर, वो सही करने के बाद मैं कर रही थी तो नहीं हो रहा था, फिर मैंने किया था, बहुत बड़ी हुआ था, वो आपने कोड हाँ वही असाइनमेंट की बात कर रही हूँ मैं। सही सर, संजू सर, हाँ सर, हेलो सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए।